Listen to the podcast a month before anywhere else, exclusively on Amazon Music, included with your Prime membership. हमारा एक ग्रुप है चार दोस्तों का। हम साल में एक बार सब साथ मिलकर ट्रिप पर जाते थे। थे क्यों कहा आगे कहानी में बताऊंगा। हमें कैंपिंग करना बेहद पसंद था और हमारे पास कैंपिंग में यूज की जाने वाली सारी चीजें थी, जैसे टेंट, स्लीपिंग बैग्स, कैंपिंग पिल्लो, चेयर, टेबल, कुकिंग के लिए बर्तन और जो भी सामान चाहिए होता है वो सब था, क्योंकि हम कैंपिंग के दौरान तीन चार रातें स्टे किया करते थे। 2019 में मुझे वो दिन आज भी याद है। 8 मार्च को हम ऋषिकेश के लिए निकले थे। बहुत प्यारी जगह है, काफ़ी बार गए हम पहले भी। ट्रिप सही जा रहा था, हमने अपने ऑफिस से लीव भी ले ली थी। वो फ्राइडे का दिन था और रात को हमने अपनी गाड़ी में सारा सामान ठूसा और 9 बजे के आसपास हम निकल पड़े। नॉर्थ इंडिया में मार्च के महीने में अच्छा खासा मौसम रहता है, सुबह शाम की ठंडी हवा आपको अपना बना लेती है। हमने पहले ही सोच लिया था कि कहाँ जाना है, कितना ट्रैवल टाइम लगेगा, कितने लोग होंगे वगैरह वगैरह। ज़्यादा भीड़ भाड़ में मज़ा किरकिरा हो जाता है। रात भर ड्राइव करने के बाद हम सुबह 4 बजे के आसपास वहाँ उस जगह पहुँच जाते हैं और वहाँ का नज़ारा इतना खूबसूरत था कि देखते ही प्यार हो जाए इस जगह से। जैसा हमने सोचा था वो जगह वैसी ही थी। एक सेफ सी जगह देख के हमने अपनी गाड़ी खड़ी की और जो भी चीज़ें थी कैंपिंग की वो गाड़ी से निकाली। मेरे एक दोस्त ने कहा अपना कैंपिंग टेंट पहले ही लगा लेते हैं, वीकेंड पर और भी लोग आ जाएंगे फिर ये जगह भी हाथ से निकल जाएगी। इस वक्त वहाँ गिने चुने टेंट ही लगे हुए थे। हमने भी अपना टेंट एक बढ़िया सी जगह पर लगा दिया और फिर थोड़ा आराम किया। सुबह 9 बजे के आसपास हमारी आँख खुलती है, फिर फ्रेश वगैरह होके घूमने फिरने निकल जाते हैं। सारा दिन खूब घूमे फिरे, शाम के वक्त कुछ खाने का सामान लेके वापस टेंट में आए। आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा होना शुरू हो जाता है और खामोशी इतनी के हमने कुछ लकड़ियां जलाई हुई थी उनकी आवाज़ तक हम अच्छे से सुन पा रहे थे। खाना हमने खुद बनाया और फिर खाते पीते काफ़ी रात हो चुकी थी। हम चारों दोस्तों में एक बंदा ऐसा था जिसके साथ हम बड़ा मजाक करते थे और वो सामने से किसी को कुछ नहीं कहता था। हम उसकी खिंचाई कर रहे थे और ऐसे में फिर किसी ने भूतों की कहानियों का जिक्र छेड़ दिया। तब मैंने अपने दोस्तों को कहा ध्यान से करना जो बात करनी है, क्योंकि जब इनके बारे में बातें होती हैं तो ये आपके पास आके सुनते हैं उन बातों को, ये याद रखना। एक दोस्त कहता तू डरा मत, ऐसा कुछ नहीं होता और ऐसी खूबसूरत जगह पर ये नेगेटिव बातें मत करो यार। और वो मेरा दोस्त जिसको सब तंग करते हैं वो चुपचाप बैठा हुआ है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन मुझे कुछ सही नहीं लग रहे थे। फिर मैं अपने बाकी दोस्तों से कहता हूँ कि काफ़ी रात हो गई है, अब सोने चलते हैं। हमने जो आग जलाई थी वो अब बुझ गई थी। कुछ ज़रूरी सामान उठा के टेंट में सोने चले गए। थक चुके थे तो पता नहीं चला कब कम में नींद आ गई। अच्छी खासी ठंड थी वहाँ। टेंट को अच्छे से बंद करके डिम लाइट जला के हम सो रहे हैं। रात के तकरीबन 2 बजे के आसपास मुझे प्यास लगती है, मैं उठता हूँ पानी पीने के लिए और तब मुझे किसी की विस्परिंग की आवाज़ आती है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था वहाँ बहुत खामोशी थी, ऐसे में अगर कोई दूर से बात कर रहा होगा तो वो भी सुनाई दे जाएगा। जब मैं पानी पी रहा था मुझे वो विस्परिंग की आवाज़ लगातार आ रही है। मैं उठता हूँ और अपने टेंट को थोड़ा ओपन करके बाहर देखता हूँ, वहाँ मुझे कुछ नज़र नहीं आता। फिर मैं अपनी टॉर्च उठा के चारों तरफ घुमाता हूँ, कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता। बाहर जो आग हमने जलाई थी उसमें से धुआं उठ रहा था। आसपास कोई है नहीं तो ये विस्परिंग की आवाज़ कहाँ से आ रही है, और वो आवाज़ ऐसी जैसे आपको बहुत डिस्टर्ब कर रही हो, आपके दिमाग पर हावी हो रही हो कुछ ऐसी आवाज़। दिन में ये जगह जितनी खूबसूरत लग रही थी रात में ये जगह अब उतनी ही डरावनी लग रही है। ना चाहते हुए भी मैं विस्परिंग की आवाज़ की डायरेक्शन में चलना शुरू कर देता हूँ। मेरे हाथ में एक टॉर्च जली हुई है। मैं आगे जाके थोड़ी सी ढलान पर उतर के जाता हूँ और आगे बस जंगल ही जंगल। उस जंगल से पहले कुछ बड़े बड़े से पेड़ हैं, वहाँ पर मेरा वही दोस्त जिसे सब तंग कर रहे थे वो एक पत्थर पर बैठा हुआ है, सामने पहाड़ से नीचे देख रहा है।
और उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी जैसे किसी से बातें कर रहा है। सच कहूं तो मैं ये देख के बहुत ज्यादा डर जाता हूं। मैं उसके पास जाके उसे उसके नाम से आवाज देता हूं, पर वो मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई कुछ समझा रहा है और वो बदले में अपना सर हिला हिला के रिस्पॉन्ड कर रहा है। वो विस्परिंग की आवाज मुझे आई जा रही है और अब तो बहुत करीब से आ रही है। मैं धीरे धीरे उसके पास जाता जा रहा हूं, उसका नाम ले रहा हूं, पर कोई जवाब नहीं। मैं बिल्कुल उसके पास जाके उसकी पीठ पर हाथ रखता हूं, तब मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो एकदम से होश में आया है। मैं उसे कहता हूं, यहां पे क्या कर रहा है? चल अंदर, इतनी रात में ऐसे बाहर अकेले में मत रह, ये ठीक नहीं है। वो सामने से मुझे कुछ नहीं बोलता और मेरे साथ चल पड़ता है। मैं उसे उसके टेंट में छोड़ देता हूं कि सो जा यहां और सुबह बाहर आना, अब मैं तुझे बाहर देख ना लूं। इसके बाद मैं वो सब ऐसे समझता हूं जैसे कि मेरा वहम होगा और उसे शायद नींद में चलने की आदत है। ये सब मैं सोच रहा था, पर मेरा सिक्स्थ सेंस मुझे अच्छी वाइब्स नहीं दे रहा था। मेरा सिक्स्थ सेंस कह रहा था कि कुछ ना कुछ तो गलत है, कुछ तो बहुत अलग है। उसके बाद मैं अपने टेंट में आके लेट जाता हूं। मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही होती है। इतनी खामोशी है बाहर, कोई आवाज नहीं, सब सो रहे हैं, पर मैंने जो अभी देखा और महसूस किया उसके बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी। वो काली अंधेरी रात अब मुझे काटने को दौड़ रही थी। मैं बस ये सोच रहा था कि कब सुबह हो। करवटे बदलते बदलते पता नहीं कब कब मैं सो गया और फिर एक बार मेरी दोबारा से आंख खुलती है किसी आवाज के साथ। वो आवाज ऐसी जैसे कोई टेंट के कपड़े पर अपनी उंगलियों से स्क्रैच कर रहा हो। मैंने आंखें खोली और तब मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे टेंट के बाहर कोई खड़ा है और वो अपनी उंगलियों के नाखून से स्क्रैच कर रहा है। ऐसा कौन कर सकता है? कौन खड़ा है बाहर? मैं डर के मारे अपने कंबल में दुबक जाता हूं। मेरी हालत खराब थी, मैंने खुद को अच्छे से ढक लिया है। मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ हूं, पर वो आवाज मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। फिर हिम्मत करके मैंने अपनी टॉर्च उठाई, दो चार बार पूछता हूं कि कौन है वहां, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। कभी ऐसा लगता वो जो भी है वो चला गया है, कभी लगता उसका साया मेरे टेंट पर नजर आ रहा है, तो कभी उसके नाखूने से होती वो स्क्रैच की आवाज। मेरी हिम्मत बाहर निकलने की तो बिल्कुल नहीं हो रही थी। मैं चुप करके अपने टेंट में ये सब इग्नोर करने की कोशिश करता हूं। काफी देर गुजर जाने के बाद मैं उसे ऐसा फील करवाने की कोशिश कर रहा हूं जैसे मैं सो गया हूं, मगर वो जो भी चीज थी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही और लगातार वो आवाज आए जा रही है, आए जा रही है। मैं उस आवाज को सुन सुन के इरिटेट हो चुका था। मैं इतना डर गया था कि मुझे वहां ठंड में पसीने आने शुरू हो गए और मैं बाहर जाके मदद भी नहीं मांग सकता। फिर मैंने बहुत हिम्मत करके अपने टेंट को हल्का सा खोल के देखा। डर भी रहा था कहीं उसकी नजर मुझ पे ना पड़ जाए। अब उसके नाखूनों की वो आवाज तो नहीं आ रही थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई है, वो यहीं आसपास ही है मेरे। टेंट खोला तो मुझे सामने दूसरी तरफ मुंह करके मेरा वही दोस्त उस जगह पर बैठा दिखाई दिया जहां हमने आग जलाई थी। मैं फिर से उसके पास जाता हूं, उसके नाम से आवाज देता हूं। वो मेरी तरफ मुझे इशारा करता है कि चलो चलो मेरे साथ। वो मुंह से कुछ नहीं कहता, बस इशारे में सब कुछ कहता है। फिर मैं भी उसके साथ चल देता हूं और चलते चलते वो मुझे एक अलग सी जगह ले आता है, जहां हमारे कैंप लगे हुए थे उससे बिल्कुल अलग जगह। हम वहां पहुंचते हैं तब वो मुझे कुछ बोलता है और ये मोमेंट ऐसा था कि मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा है जैसे बाहर आ जाएगा। उसने जब मुझसे बात करनी शुरू की तो वो मेरे दोस्त की आवाज नहीं थी, मेरे दोस्त के अंदर से कोई और आवाज आती है और वो आवाज ऐसी कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या है। वो कहता कि तुम लोग रात को इसे बहुत तंग कर रहे थे ना, मैंने कई बार नोटिस किया है तुम लोग इसे बहुत तंग करते हो, तुम्हें पता है मैं इसके साथ 9 साल से हूं। और उसकी ये बात सुन के मैं सन्न हो गया। बहुत ज्यादा डर गया था क्योंकि उसे तंग करने में सबसे ज्यादा हाथ मेरा ही होता था। वो गुस्से में खड़ा ये सब बोल रहा था मगर आवाज उसकी नहीं थी। उस पे कोई साया है और वो साया मुझसे बात कर रहा है। वो बता रहा है कि कैसे उसे अच्छा नहीं लगता जब हम उसे परेशान करते हैं, छेड़ते हैं। उसने एक तरह से वार्निंग दी कि संभल जाओ
वरना तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा पेश आऊंगा। तब तुम्हारी हालत क्या होगी तुम सोच भी नहीं सकते। और फिर उसने ये भी कहा कि मैंने जो बात तुम्हें समझाई है वो समझ जाओ, मेरी बात मानोगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारा ये दोस्त बहुत अच्छा इंसान है और मैं नहीं चाहता कि तुम लोग उसे ऐसे तंग करो। मैं डर तो पहले ही गया था उसकी आवाज़ से, उस खौफनाक मंजर से, वहाँ की खामोशी और जंगल से। जहाँ हम खड़े हैं वहाँ बस हम दोनों, और मेरा दोस्त कहने को मेरे साथ है पर उसके अंदर तो कोई और ही था। मैं वहाँ खड़ा कांप रहा था और वो अचानक से कहता है, तुम जाओ और जाके सो जाओ। पर मैं वहाँ से हिल तक नहीं पा रहा था और वो मुझे कहता है कि तुम जा क्यों नहीं रहे, जाओ जाके सो जाओ। ऐसा उसने थोड़े गुस्से भरी आवाज से कहा, या शायद मुझे लगा कि वो गुस्से में है। मैं बड़ी हिम्मत करके संभलता हुआ जा रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी गिर जाऊँगा। मैं अपने टेंट में आता हूँ और मुझे ये डर लग रहा है कि कहीं वो दोबारा से ना आ जाए। मैं भगवान को याद करता हुआ और जो जो मुझे आता था सब बड़बड़ा रहा था। मैंने बहुत डरते हुए वो रात गुजारी थी। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरे दोस्त के ऊपर कोई साया है, और उसने ये भी कहा था कि जब से मैं इसके साथ हूँ तुम लोगों के भी साथ हूँ। अगली सुबह जब हम चारों साथ होते हैं, जब उसका कोई मजाक बनाता है तो उसके चेहरे पर गुस्सा दिखना शुरू हो जाता है। पहले वो ऐसा नहीं था, पर अब शायद मेरे सामने आने के बाद से वो और ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है। मैंने ये बात किसी और को नहीं बताई। इसके बाद जब भी हमारी कोई ऐसी बात होती और दोस्त उसे तंग करते तो मैं बात को घुमाने की कोशिश करता। उसके चेहरे को देख के मुझे पता लग जाता था कि अब वो इस पे हावी हो गया है, उसको अब गुस्सा आ रहा है। मैं खुद से ये सवाल किया करता था, क्या मुझे उसके घर वालों को, अपने दोस्तों को ये बताना चाहिए? पर मेरे अंदर ये भी डर था कि कहीं वो मुझे मार ना दे। मैंने सुनी है उसकी वो भयानक आवाज़, मैंने देखा है उसका वो चेहरा जब वो गुस्से में मुझसे बात कर रहा था। उसकी वो डरावनी आंखें मुझे आज भी याद हैं। 4 साल पहले का वो ट्रिप मेरा मेरे दोस्तों के साथ आखिरी ट्रिप था। अब उनसे मिलना भी नहीं होता, सब अपनी अपनी दुनिया में बिजी हो गए हैं। मैंने भी अपनी एक अलग दुनिया बसा ली है। पता नहीं मेरा वो दोस्त कैसा होगा अब, वो साया उसके साथ अब क्या कर रहा होगा।